हेलो पापा। बेटा पापा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्या हुआ बेटा? पापा मैंने बुरा सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। चलो पहले स्टॉप क्राई। बेटे यू प्रॉमिस टू बी ए स्ट्रांग बॉय ना? या पापा। इफ यू आर स्ट्रांग तभी मैं यूएसए जा सकता हूँ, एंड इफ आई गो टू यूएसए देन आई विल बिकम ओके। यू वॉन्ट यूर पापा टू बिकम ओके ना? हाँ पापा, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग बेटा। ओके पापा, लेकिन आपके जाने से पहले क्या हम कहीं मिल सकते हैं? हाँ बेटा, वी विल मीट। क्या हम कल मिल सकते हैं? टुमारो? या वी विल मीट अप टुमारो। ओके ओके पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। वो वॉचमैन बोला कि तुमको बाय चाहिए करके। चाहिए तेरे बोला ना, इतने में जाते। ए चल चल। सॉरी जाती मैं। एक मिनट। क्या हुआ साहब? हो साहब। कौन है तू? ए, मेरी बाइको है क्या इधर? बाइको? अरे मेरी बीबी। रुक्मणी रुक्मणी। एक मिनट साहब, मेरा मर्द है। रुक्मणी थाम रे। रुक्मणी बाहर बाहर चल। तेरे को क्या लगा मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाएगा? गपचुप बस रे। अरे मेला सब माइते लपड़ा इस बिल्डिंग में। अरे देवा। का? अपने अपने बेजे का इलाज करा तू पहला। ये बैग अभी तक इधर क्यों है? अरे तो भेजा क्यों नहीं? किधर कमाया? साड़ी किसने दिया तेरे को? अरे छोड़, मेरे को देखने दे। कौन है? सोनिया साहब। कौन है? पीछे चल। क्या करते हैं? क्या मतलब कौन आए? पुलिस नहीं है। मेरे को सब मालूम है। कहीं पे तो सांग मारा।
Are you okay? हाँ ठीक हूँ यार। क्या हो गया, अपने निशाने खराब हो गए क्या हो गए? अरे कुछ नहीं, काम बढ़ गया, फिर से इस साले को ढूंढना पड़ेगा। इस साले ने तंग कर दिया यार। खोल रहे गलती हो गई और बोल रहा है कुछ किया भी नहीं। एक मिनट छोड़ दे इसे, इधर आ। नहीं साहब। इधर आ। क्या नाम है तेरा? साहब मिलिंद साहब। बोरिस को कब से जानता है? क्या साहब? बोरिस को जानता है कि नहीं? नहीं साहब। सच बोल, सच बोल। साहब छोटा मोटा काम देते थे, वो करता था साहब मैं। छोटा मोटा काम करता है, उनका मार इधर का उधर करता है, ये देखो पैसे। झूठ बोलता है। नहीं साहब, मुझे पैसे की जरूरत नहीं साहब। साहब मेरी माँ की आंखों में मोतिया है साहब। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन नहीं किया तो माँ की आंखें चले जाएंगी साहब, मुझे छोड़ दो। माँ बाप की कहानी मत बोलवे, डाल इसको अंदर। एक मिनट, एक मिनट, इधर पढ़ते है तुम? हाँ साहब पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? अभी दसवीं में हूँ साहब। जाने दो इसे, पैसे भी दे दो इसे। चले। क्यों छोड़ दिया इसे? पहली बार गलती की इसने, और वो भी मजबूरी में। हर इंसान को एक एक चांस तो मिलना चाहिए। इसे हम अंदर डाल देते तो ये क्रिमिनल बन के बाहर निकलता। अभी कौन सा सुधर जाएगा? अरे नहीं सुधरा तो तू है ना सुधारने वाला। सर जर्नलिस्ट लोग आए हुए हैं, उनका क्या करना है? अरे ये जाएगा। अरे, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा काम है। मैं जाऊँ? तुम जाओ, तुम्हारा काम है। चलो। तुमने उस लड़की को छोड़ के अच्छा नहीं किया, उसने क्राइम किया है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। इतनी मामूली सी बात के लिए? तेरे लिए होगी मामूली सी बात, मेरे लिए मामूली बात नहीं है। तू हमेशा ऐसा करता है। वो लड़की ने झूठा रोना धोना किया, तूने चलो साहब माफ कर दो, अब बड़ा क्राइम करो उसके बाद हम तुम्हें पकड़ेंगे। विनय, कानून के साथ इंसान की भी समझ रखनी चाहिए। छोटा बच्चा है, मजबूरी में उसने ये क्राइम किया। अरे मजबूरी की ऐसी की तैसी यार, क्या गारंटी है कि आगे जाके वो बड़ा क्राइम नहीं करेगा? और क्या गारंटी है कि वो जेल से निकलकर बड़ा क्रिमिनल नहीं बनेगा? मुझे लगा बच्चा है, उसे मौका देना चाहिए, सो मैंने दिया। तुमने क्या थाने में अपनी अदालत खोल ली है? अदालत का काम अदालत करेगी, हमारा काम है क्रिमिनल को पकड़ के अदालत तक पहुंचाना, बस खत्म। अभी जज डिसाइड करेगा कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है, मजबूर है कि नहीं है। साहब जी का मूड खराब हो गया, बड़ा गुस्से में है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। अच्छा वो लेट पहुंचे, अपनी बीबियां सो रही होंगी, चुपचाप अंदर घुस जाएंगे। अरे सर आप लोगों की बीबियां तो सोई होंगी, मेरी बीवी तो ऊपर से हरा देखती होगी। क्यों पेड़ पे बैठी रहती है? मैं क्या करूं बताइए ना। अरे तो मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं। तुम शादी क्यों करते हो बीवियों से, इतना परेशान रहते हो? तो मैदान में उतरने के बाद तुम्हें पता चल गया, आ जाओ। तेरा भी टर्न आएगा बेटे। क्यों शालिनी? हाँ सर उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, और यह है कि शादी की फाइल दबा के बैठे हैं। एप्लीकेशन दी है मैंने पर रिश्वत पे नहीं लेते। देखो सर आप। नहीं 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 नहीं, तुझे मेरी रिकमेंडेशन चाहिए ना, ला फाइल दे मुझे। पक्का सर। चलो बाय बाय साहब।
पापा ये भी कोई टाइम है आने का? मेरे सारे फ्रेंड शाम से वेट कर रहे थे क्लब जाने के लिए और आप तो आए नहीं, दैट्स नॉट फेयर। बेटा मैं पता है आप पुलिस ऑफिसर हो, क्रिमिनल्स को कैच कर रहे थे, बट यू आर माय फादर आल्सो, बेटे के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं, तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? पापा बात मत बदलो। कैन वी कॉम्प्रोमाइज, कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि तू? नो प्लीज, नो आई एम सॉरी, नो। तो फिर मैं क्या करूँ? अगर आप मुझे, मेरे दोस्तों और मम्मी को नेक्स्ट संडे बोटिंग क्लब ले गए तो मैं, मम्मी और मेरे दोस्तों की कमिटी आपको फॉरगिव करने का सोच सकते हैं। अच्छा, हाँ ओके। मम्मी भी क्या इतनी गुस्से है? वो तो आप खुद फाइंड आउट कर लो। पर आंट यू लेट, सुबह स्कूल जाना है ना, चल सो। बदमाश। चलो पापा, वन मोर गेम। बेटा यू हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल, कम ऑन लेट्स गो। ओके बाय पापा। बाय बेटा। बाय मम्मा। बाय बाय। थैंक्स फॉर द लवली कार्ड। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। यू फॉरगॉट नाउ दिस टाइम? इस बार मैं भूल गई, हमेशा तुम भूलते हो। बट दिस टाइम यू फॉरगॉट। अच्छा शाम का क्या प्रोग्राम है? एनीथिंग, व्हाटएवर यू से। वन सेकंड। हाँ डिसूजा बोल। अजय हम लोग बाहर आ गए, बोलो पार्टी का क्या करना है। ठीक है बस मैं तैयार होकर आया। शाम का प्लान नहीं बताया आपने। ओह हाँ यार, फोन आया था ना, मुझे दो दिन के लिए मुंबई जाना है। बॉरिस का केस जैसे खत्म होगा ना, आई टेक वन वीक ऑफ एंड देन वी गो टू सम एग्जॉटिक प्लेस लाइक गोवा। ओके ओके। गोवा? हाँ गोवा। हेलो भैया, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। अच्छा सुन, आज मैंने अंशु के लिए सरप्राइज पार्टी रखी। वाओ पार्टी। एक काम करना, उसे पूरा दिन बिजी रखना, ओके? ताकि मुझे पूरा दिन घर में तैयारी करने के लिए मिले, ओके? ओके भैया, समझ लीजिए काम हो गया। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। क्या बात है, सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी वाड़ी। अरे हाँ यार, आप लोग सब आना, लेकिन अकेले नहीं, वाइफ्स के साथ आना। लो लेकिन इसकी बीवी थोड़ी है। क्यों, तेरी बीवी तो है ना। ध्यान रखना, बीवी को पहले से पता ना हो, कहीं बड़ा सरप्राइज नहीं देते। अरे वो तेरे जैसे थोड़ी है शकी। पर अकेले मत आना, किसी को तो साथ में लाना ही पड़ेगा। अपने हस्बैंड को लेके आऊंगा। अरे ये नहीं बताया तूने। What a time we had in New York. Wow. वो ट्रिप मैं कभी नहीं भूल सकती। How can I forget when finally this beast got the beauty? Got? Not. मैं तुम्हें मिली नहीं थी, तुमने मुझे छीना था तुम्हारे स्टेप ब्रदर से। Babes, everything is fair in love and war. But really, संजू, क्या जगह थी तुम्हारे न्यूयॉर्क में? Babes, that's nothing. Wait till you see the Manhattan apartment that I booked for you. बस इंडिया में मेरे funds हो जाएं, it's heaven on earth. Overlooking the sea, you and me. Hi, darling. कहाँ हो तुम? मैं मेरे योगा क्लास में। कोई टेंशन? नहीं नहीं ऐसे ही बस, miss you. Love you. Bye. Okay, bye, sweetheart. Love you. Bye. Great yoga class, I tell you, huh? Yeah, bro. सुन, रात का वेन्यू चेंज हो गया है, अब टीटोस पे है रात को 8 बजे। Bye, bro. See you.
अब एक बहुत जरूरी खबर है, पुलिस का पता चल गया है। चल दी फास्ट, बस 5 किलोमीटर और। एम्बुलेंस तैयार रखो, इमरजेंसी है सर। रक्त था बता है सर। सर पहुंच रहे हम। बट यू माय फादर आल्सो। आई लव यू। बेटे के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नहीं? अजय मैडम चल दी फास्ट। यस सर। चलो 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 जल्दी। Mm-hmm.
सावन सर, कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। देखिए आप सब कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे, आई वॉन्ट टू बी अलोन विद हिम, प्लीज। मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। गोली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में लगी है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। अब तुम चल नहीं सकोगे। What are my chances, doctor? बहुत कम। Your chances are one in a million. Then I'm that one in a million. I am. I'm that one in a million. I'll do it. Inshallah. Inshallah. शादी कर ले यार, तू मेरी आजादी से जलता है। चा? चलता हूं हा? दोस्त हूं तेरा, आई लव यू यार। देख मैं तुझको समझाता हूं, देख समझ, ये देख वो देख, वो विजुलाइज कर, वो तेरा खूबसूरत सा घर है। कहां पे? वो देख ना, वो ऐसे विजुलाइज करना यार। अच्छा, वो दरवाजा खुला, देखा वो शालनी खड़ी है और तू एकदम चिड़ा फेरा सा उसके सामने आता है। वो देखकर तुझे मुस्कुराती है, तू एकदम खुश हो जाता है और वो भागी भागी तेरे पास आकर जब फिर डाल लेती है और पीछे से तेरे वो चुन्नू मुन्नू से आ रहे हैं। देखा चुन्नू मुन्नू दो हैं,
हाँ। नाम क्या चालूंगा? नाम क्या रखेंगे? नाम कुछ तो वो सोचेंगे ना यार, तू तो पहले देख, जब फिर वो फिर डालता है खुश शादी कर ले बस, तू शादी कर ले। हाँ क्या बोलता है? शादी कर ले। मैं करता हूँ शादी एक शर्त पे। तू खड़ा हो जाए यार। The office has become so boring. ये ले, अभी खड़ा हो जाता हूँ। इसमें क्या है? ये ले। पी हुई है ना? पी हुई है। तू बस तू शादी कर ले, फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा, नाचूंगा। तू जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन मैं शादी कर लूंगा। इसे डील। वादा? पक्का। वादा। पक्का। चल। अच्छा फिर गले लगते हैं। हाँ आया यार। अच्छा अच्छा। I miss you. I miss you. I miss you. What is this यार? कहाँ हो तुम? We were supposed to meet today. तुम promise करके भी नहीं आई। संजू, it's hell out here. Please समझो। तुम जानते हो situation क्या है? मैं अब तुम्हें अकेले नहीं मिल सकती। Please understand. I have an idea. अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो तू कहाँ आता हमारे साथ रहने? Come on bro, what are you saying? आप जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यही रहूंगा आपके पास। पापा, फिर एक मिनट, गेट मी सम वाटर। ओके पापा। सब ठीक हो जाएगा। तू मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती? यू हैव नो फ्यूचर विद मी। अजय, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? बेटा देख क्यों रहे हो? जाकर खेलो तुम भी। पापा, मैं तब खेलूंगा जब आप खेलेंगे। मैं नहीं खेल सकता ना। Go play with them. तेरी मासूम आँखों में जिंदगी के हजारों सवाल, मुझको परवाह मेरी नहीं, सिर्फ रहता है तेरा।
आज फिर लेट आई तुम? तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मेरे नए शॉप की कल ओपनिंग है, फिनिशिंग टचेस करने थे, मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? What's the matter, honey? Why are you getting upset? मैं यश को इस तरह से नहीं देख सकता। मैंने फैसला किया कि वो इस घर में नहीं रहेगा। तुम उसे उसकी बुआ के पास छोड़ो। लेकिन क्यों? मैं 24 घंटे चिढ़ता रहता हूँ और आजकल अपने बेटे पर अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस तरह से देखे। उसे अपने पापा से उम्मीदें हैं। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं ठीक हूंगा। बेटे के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं? जब डिपार्टमेंट ने तुझे मेडिकल छुट्टी दे रखी है, देन रिजाइन क्यों किया? रिजाइन क्यों किया? पूरा डिपार्टमेंट तेरे साथ है, तुझे क्या चाहिए? और फिजियोथेरेपी क्यों बंद कर दी उसे? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? उससे क्या होगा? हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आई एम वन इन मिलियन, मैं खड़ा हूंगा, मैं दिखाऊंगा। क्या हुआ उन सब बातों का? मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि ये वही अजय। यू हैव टू ज्वाइन फोर्स अजय, तुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तुझे खड़ा होना है। दिस इज माई ऑर्डर। तू नहीं मानना चाहता मुझे बता दे, मैं इसके बाद तेरी सूरत नहीं दिखूंगा। ऐसे ही कह दिया था। I'm not that one in the million. नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मिस्टर अजय श्रीधर ने 50 करोड़ का फ्रॉड रोककर ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक बहुत ही बड़े नुकसान से बचाया है, इसलिए हमारी कंपनी इन्हें 5 करोड़ की टर्म पॉलिसी गिफ्ट करती है। वजह भैया, क्या है ये? इंश्योरेंस पॉलिसी 5 करोड़ की है। मैं मरना चाहता हूं। व्हाट? व्हाट? और इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। अजय, क्या बेकार की बातें बोल रहे हो तुम? पहले मेरी बात तो सुनो। मैं इस तरह से जी नहीं सकता। मैं अपने आप को कभी भी मार सकता हूं, और अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा यश का? इसलिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए ताकि मेरी मौत एक हादसा लगे। भैया,
अजय, it doesn't make sense to me. ये क्या पागलपन है? हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हमें तुम चाहिए. Please stop thinking all this. अंशु, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं जी रहा हूँ. Just once. एक बार मेरी जिंदगी जीकर देखो. तड़प रहा हूँ मैं. हर पल मर रहा हूँ मैं. मुझे कुछ नहीं सुनना अजय. Enough. I don't want to talk about this. तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? I'm not insane. तो तुम क्या चाहते हो अजय? तुम्हारी बीवी होकर मैं तुम्हें मार दूं? Sorry भैया. ऐसा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा. और वैसे भी हम उसे कहां मार रहे हैं? वो तो खुद मरना चाहता है. बस अजय, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. मैं तुम्हारी पत्नी होकर मैं तुम्हें कैसे मार? अच्छा तू मुझे बताओ, इन्हीं हालात में अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी, और मैं तुमसे कहती मुझे मार दो, तो क्या तुम मुझे मारते? अगर मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता. ठीक है, जैसा तुम चाहो. के शो के टिकट्स लेना, उस दिन भीड़ कम होगी. It took us 30 minutes. इस प्लान में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जगह याद रखना. यहां पे करना क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा. 20 जुलाई वास्को ट्रेवल से तुम्हें एक कार हायर करनी होगी. आई नीड टू हायर अ कार प्लीज. ओके. इसी हाइड कार में पेंजिम से कोवलम जाओगे. अंशु, तुम फ्ली मार्केट जाकर तुम्हारे और संजय के लिए ओवरसाइज कपड़े और जूते लेना. ये साइज बड़ा है, आपको नहीं आएगा. मुझे दो साइज बड़े ही चाहिए. I'll take this. डिसूजा से मिलने से पहले तुम्हें अपना गेटअप चेंज करना होगा. डिसूजा बहुत चालाक आदमी है, उससे संभल कर रहना. एविलियन स्कॉट, ये बताओ है कितने की? 5 पेटी. लेकिन अजय भैया ने तो कहा था कि 4 लाख लगेंगे. अजय नहीं, वो एंथनी ने कहा था कि 4 लाख लगेंगे और अब तुम 5 लाख बोल रहे हो. भैया वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है. ठीक है दे दो. हम ये प्लान कल एग्जीक्यूट करेंगे. नथिंग शुड गो रॉन्ग. सेट योर वॉचेस टू 8 PM. अगर तुम्हें लगे कहीं भी कुछ गलत हो रहा है
तो फिर कैंसिल इट। तुम दोनों अलग अलग गाड़ियों में ट्रेवल करोगे। हायर की हुई गाड़ी को सिनेमा के पीछे पार्क कर देना और फिर दोनों अंशिता की गाड़ी में सिनेमा जाएं। Come on, come on, let's go. सिनेमा हॉल में कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देना ताकि लोग तुम्हें नोटिस कर सकें। मैडम यू चेंज। शिट इडियट। सॉरी मैडम, दिखाई नहीं देता क्या? आप ही नहीं तो गिरा मैडम। जानता है कौन है ये? एसीपी अजय श्रीधर की वाइफ। एक फोन किया ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, समझा? सॉरी सर। सॉरी, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे। अजय घर पे अकेला है? इतनी रात को उसको अकेला मत छोड़े, तुम्हें पता है किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। मैं आना नहीं चाहती थी, बट विनय यू नो हिम, मैं घर से निकलती कहाँ हूँ। बस आज उन्होंने जिद पकड़ ली कि तुम दोनों को जाना है। Lead your own lives and all that. Bro, you know something? अंचिता आई तो यहाँ है फिल्म देखने के लिए, ये लेकिन इनका पूरा ध्यान अजय भैया पे टिका हुआ है। मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। हेलो अजय, आई थिंक वी नीड टू अबाउट द प्लान। क्यों? यहाँ विनय ने हमें देख लिया है। विनय? वो अजीब अजीब से सवाल कर रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तुम्हें घर पे अकेला क्यों छोड़ा है एंड ऑल दैट। ये तो अच्छा हुआ विनय वहाँ पर है, इससे अच्छा एलिबाई कहाँ मिलेगा? That's good. But are you sure? अच्छा, now you both be very careful. जब आप लोग वहाँ से निकलोगे ना, just see that nobody watches you. All the best. Okay. Bye. Yes. Stop it. Creep. Hello. I'm inquisitive. Yeah, and I'm impatient. Look, do you want to leave a message for someone? Chalo. Think is babe. Oh God, Vinay. शूज भी बदल लो। आई एम वेरी नर्वस संजू, मुझे नहीं लगता हमें इस प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कहीं कुछ हो गया तो। पागल हो गए तुम? इतना आगे आने के बाद वापस जाना चाहती हो? देखो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अजय ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया है, हमें किसी ने भी यहाँ आते हुए नहीं देखा। लोगों की नजरों में हम अभी भी थिएटर में, किसी ने हमें वहां से यहाँ आते हुए नहीं देखा। हम दोनों चोर बनकर घर में जाते हैं, दो चोर उस घर में जाते हैं, अजय के साथ उनकी हाथापाई होती है, हम थिएटर से वापस घर जाते हैं, अजय को वहां मरवा पाते हैं,
पुलिस को फोन करते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। कितने लोगों ने हमें थिएटर में देखा है, वो हमारे विटनेस हो गए। कोई कोई हम पर शक क्यों करेगा? Does that make sense to you? Is that clear? Yeah. Okay then, let's do it. किसी ने तुम्हें आते देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं। श्योर? या वे श्योर। ओके। डोंट बी नर्वस। You're supposed to be in cinema, not here. I'm sorry. Hello? Papa? Peter? Papa, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्या हुआ बेटा? पापा मैंने बुरा सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। चलो पहले स्टॉप क्राइंग। बेटे, यू प्रॉमिस टू बी अ स्ट्रॉन्ग बॉय ना? या पापा। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग तभी मैं यूएसए जा सकता हूँ। एंड इफ आई गो टू यूएसए देन आई विल बिकम ओके। यू वांट योर पापा टू बिकम ओके ना? हाँ पापा, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बेटा। ओके पापा, लेकिन आपके जाने से पहले क्या हम कहीं मिल सकते हैं? हाँ बेटा, वी विल मीट। क्या हम कल मिल सकते हैं? टुमारो? या वी विल मीट अप टुमारो। ओके ओके पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। Shoot me. Shoot me! ये तो पिक्चर हॉल में थे,
अजय कहाँ है? सर एक मिनट। विनय, ये संजय के मोबाइल में वीडियो क्लिप मिली है। अजय ने बताया कि वो बेडरूम में था तो कुछ कांच टूटने की आवाज उसने सुनी, और जैसे वो बाहर आया तो उससे पहले कि उसने पता करना चाहा कि वो लोग कौन है क्या है, तो इन दोनों ने अजय पर गोले चलाए, और सेल्फ डिफेंस में अजय ने भी इन पर गोले चलाए। पास आकर अजय ने देखा तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस तरह वेश बदल कर आखिर ये अजय सर को क्यों मारना चाहते थे? तुमने फोन पे इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना? नहीं। इन दोनों का आपस में अफेयर था, 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है, हस्बैंड अपाहिज है, तो रास्ते से हटा दो। पूरी प्लानिंग थी इनकी, हॉल में पिक्चर हॉल में जाके इन्होंने एलिबाई एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, विथ फुल प्लानिंग। पर कुछ शायद पता नहीं था कि अजय को मारना इतना आसान नहीं होगा, सो दे गॉट स्टक। पर विनय, अजय को तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मतलब भाभी जी और ये इन दोनों का अफेयर था, लेकिन अब उसे पता चल गया तो क्या होगा? We did it, Sanju. We did it. गोलियां तेरी तरह नकली हैं। मर तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन मैंने तुम दोनों को देखा था। अंशु, अंशु, अंशु,
did it. I was that one in the million. मैं तुम्हारे सामने अपने पांव पर खड़े होकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था अंशु. अजय भैया को जिस दिन गोली लगी अगर वो जिंदा ही नहीं बचते तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं. अजय के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ. उसका दर्द हम कम तो नहीं कर सकते लेकिन उसे और तकलीफ ना हो इतनी कोशिश तो हम जरूर कर सकते हैं. विनय, दिस इज एन ओपन एंड शट केस. हो सके उतना जल्दी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो और केस को बंद कर दो. यस सर. मैं नहीं चाहता अजय की जिंदगी को सड़क पर उछाला जाए.
हाय हाय। दादा नहीं आए? वो दरअसल अजय सर के केस में थोड़ी बिजी हैं, इसलिए नहीं आ पाए। चले हम लोग सीधे वहाँ चलते हैं। नहीं, हमें पहले अजय से मिलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यश। हाय आंटी। हाय बेटा, हाउ आर यू? आंटी, आप कितने दिनों बाद आए? आई नो। यश, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। चलो यश बाबा, सोना है। ओफो। सो जाओ बेटा, हम बाद में मिलेंगे। ओके, गुड नाइट यश। सी यू आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। बाय बेटा। यश को पता नहीं है ना? नहीं। आंटी आंटी देखो, आई वन दिस ट्रॉफी। ये मैंने फुटबॉल में जीती और ये इन डांसिंग। डांसिंग आल्सो? वाओ, लेट्स सी। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू नो दैट? थैंक यू। आई एम माय पापा सन। यस ऑफ कोर्स यू आर। यश बेटा, मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करूं? ओके। वो सीक्रेट रख सकोगे ना? हाँ आंटी, बिल्कुल। गुड बॉय। बेटा, आपको पता है ना वो जो पापा इज गोइंग थ्रू, मतलब एक्सीडेंट के बाद, हाँ, किस हाल से गुजरे हैं? हाँ आंटी, मैं जानता हूँ, बहुत अपसेट रहते हैं। हाँ, और हमें ना उनको और भी हिम्मत देनी होगी अब। ओके, तुम्हारी मम्मी, घर में एक रॉबरी हुई थी। रॉबरी? हाँ, और तुम्हारे पापा, ही वॉज वेरी ब्रेव। हाँ, योर पापा इज वेरी ब्रेव, यू नो दैट? वो रॉबर्स के साथ बहुत लड़े, बहुत लड़े, बट क्रॉसफायर था ना गन्स का, और उसमें उसमें मम्मी को लग गई। बेबी बेबी, मामाज नो मोर बेबी। मामाज गॉन टू हेवन। आई एम सॉरी। Come, it's okay, baby. It's okay. Where are you? दादा, मैं घर पहुंची हूँ, आप कब तक आओगे? आई थिंक थोड़ा वक्त लगेगा, तुम बोलो। अजय कैसा है? क्या बताओ दादा। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, पर यश के लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। अजय इज अ फाइटर राधिका, आई नो हिम। मुश्किल होगी लेकिन किसी ना किसी तरह से निकल आएगा, आई एम श्योर। ठीक है दादा, आप वापस आ रहे हो, खाना खाओगे ना? मैं बस आ रहा हूँ खत्म करके, तुम खा लो। ठीक है दादा। या ये जय की फाइल है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक नज़र मार लेना, एसपी साहब के पास पहुँचा देना। रोज इतनी फाइलें बनाते हैं, कभी अपने भी किसी के ऐसे ही फाइल बनानी पड़ेगी। ऐसा सोचा नहीं था। Thank you.
मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि अंशिता ऐसा कर सकती थी। मुझे तो अजय सर की फिक्र हो रही है, क्या गुजर रही होगी उन पर। उन्होंने तो अनजाने में उन दोनों पर गोली चलाई, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती ना तो खुद ही उड़ा देती उन दोनों को। और सेल्फ डिफेंस में अजय ने भी इन पर गोली चलाई। मैं घर से निकलती कहाँ हूँ, बस आज उन्होंने जिद पकड़ ली कि तुम दोनों को जाना है। वो बेडरूम में था तो कुछ कांच टूटने की आवाज उसने सुनी, तो उससे पहले कि उसने पता करना चाहा इन दोनों ने अजय पर गोली चलाई। कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ तो। पहले ही पूरी हो चुकी है पटनायक साहब, फिर आप डेड बॉडीज दोबारा क्यों देखना चाहते हैं? ऐसी उन दोनों की एक्चुअली मुझे याद आ रही है। अरे तू तो पूरा भीग गया। रवि साहब के लिए टॉवल लाओ। जी साहब। क्या हुआ, इतना टेंस क्यों है? ड्रिंक लेगा? हाँ साहब के लिए ड्रिंक लेकर आओ। अजय तुझे पता है, पता था क्या? दैट योर ब्रदर एंड अंशिता वर हैविंग अफेयर। तूने प्लान किया था ना मर्डर, राइट? रॉन्ग। तू झूठ बोल रहा है। मैं तुझसे एक दोस्त की तरह सवाल पूछ रहा हूं, मुझसे मत छुपा जाए। दोस्त इस तरह के सवाल नहीं पूछते। तुझे पता है अजय, मैं बिला वजह नहीं पूछता। मुझे बता दे यार। मैंने सिर्फ डिफेंस में गोली चलाई थी और उन दोनों के अफेयर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने सवाल तुमसे एक दोस्त की तरह किया था और तुमने जवाब एक क्रिमिनल की तरह दिया है।
अब तुम्हारी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होगी। थैंक्स फॉर द ड्रिंक, सी यू। पटनायक, तुम इस वक्त? कौन? पटनायक? सब खैरियत तो है? एवरीथिंग ओके? हाँ सर, वो अजय ने। क्या हुआ अजय को? कुछ नहीं। तुम तो पूरे भीगे हुए। आओ अंदर अंदर। कम कम कम। आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? अजय ने पूरी जिंदगी पुलिस डिपार्टमेंट को दी है, अपनी जान तक की परवाह नहीं की उसने, और जो तुम हो, जो उसी पे इल्जाम लगा रहे हो, जबकि हम सब जानते हैं कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया और वो उसे मारना चाहती थी। अजय ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। उसे तो पता भी नहीं था कि उसे मारने वाले में उसकी वाइफ या भाई हो सकते हैं। और अगर उसे पता होता तो? सर, एक मिनट के लिए आप अपने आप को अजय की जगह पर रखकर देखिए। एक आदमी जो अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा करता है, एक आदमी जो अपनी बीवी को टूट कर चाहता है, और ये दोनों लोग उसकी पीठ पीछे अपना मुंह काला करते हैं, ऐसे में उस आदमी पर क्या गुजरेगी? वो हाथ पे हाथ धर कर बैठा रहेगा? उसको पता था पुलिस क्या लाइन ऑफ एक्शन लेने वाली है। इज अ पुलिस मैन, उसने अलिबाई तैयार किया है, उसने वक्त का इंतजार किया है। इट्स नॉट अ केस ऑफ सेल्फ डिफेंस सर, इट्स अ केस ऑफ मर्डर। पटनायक, अजय जैसा आदमी अपनी बीवी या भाई का खून कभी नहीं कर सकता। कोई सबूत है तुम्हारे पास? Have you got any proof? I have proof, sir. मुझे अजय से पूछताछ करने दीजिए, मुझे इंक्वायरी की परमिशन दीजिए। No, no way. अजय जैसे ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी की परमिशन मैं तो कभी नहीं दूंगा। Sir, please. मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि इस केस का इंचार्ज मैंने तुम्हें बनाया है। And now you are trying to settle your personal score. Personal score? No more discussion. He's my friend, sir. अभी इसी वक्त ये केस में रिया कर देता हूं। मेरी जिम्मेदारी है। Now D'Souza will handle the case. Good night. विनय, अजय श्रीधर के केस का इंचार्ज अब मैं हूं। थैंक यू। हम में से एक पुलिस ऑफिसर जिसने पूरे जिंदगी पुलिस डिपार्टमेंट को दी, ड्यूटी पर गोली खाकर अपाहिज हुआ, तभी तक उस हादसे से वो बाहर नहीं आ पाया है। उसको सहारा देने के बजाय हम उसके सो कॉल्ड दोस्त उसको मुजरिम बना के सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं। अच्छी तरह से ड्यूटी निभाई हम लोगों ने, इसके बदले में तो हमें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। मोरे फाइल मुझसे छीन कर तुझे इसलिए दी गई है ताकि तू सच्चाई को समझे। जो वर्दी पहनकर शपथ ली थी वो कानून को बचाने के लिए ली थी, दोस्ती पर कविता लिखने के लिए नहीं। सो क्या गलत क्या सही, जो सोचो वही, क्या गलत क्या सही, तुम जो सोचो वही, फलसफा जिंदगी का है जुदा हर। हे अजय मेरे दोस्त, क्या गलत क्या सही, बात अब तुम्हारी और मेरी नहीं रही, बात अब सही और गलत की है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कल रात बी न्यूज को एक शख्स ने फोन करके बताया कि अंशिता श्रीधर और संजय की मौत हादसा नहीं बल्कि मर्डर है।
पुलिस मामले पर पर्दा डालने की कोशिशों में जुटी है क्योंकि मामला एक आला अधिकारी अजय श्रीधर से जुड़ा हुआ है। हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अंशिता श्रीधर और उनके कजिन के बीच नाजायज संबंध थे और इस बात की जानकारी अजय श्रीधर को हो गई थी। ये आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है देशमुख साहब? मैं आपसे बात करने ही वाला था। इनफैक्ट मैं खुद आकर होम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं, फिलहाल आप इंक्वायरी कमीशन की हेल्प कीजिए। सर, 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 पुलिस ने पहले तो अजय श्रीधर को बचाने की कोशिश की और अब उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है। तो अपना गेम तूने शुरू ही कर दिया। मीडिया का प्रेशर डाल के तुम इंक्वायरी कमीशन तो बिठा सकते हो। मीडिया के बारे में मुझको ब्लेम मत करी सर। आई नो होम मिनिस्टर के पास जाके तुमने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो पटनायक, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना, अजय का क्या होगा वो तो मुझे पता है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते तुम्हारा क्या होगा। अभी ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि अजय श्रीधर की पत्नी अंशिता और उनके भाई संजय की मौत हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। बताया जा रहा है कि अजय श्रीधर ने खुद षड्यंत्र करके उनका कत्ल कर दिया। होम सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाने का फैसला किया है, जिससे एक बार फिर अजय श्रीधर सवालों के घेरों में पड़ जाएंगे। पापा, और अब हम आपको होम मिनिस्टर के बेटा क्या हुआ? बेटा पापा, क्या हुआ? मुझे छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुझे हुआ क्या? पापा, अब जेल जा रहे हो क्या? किसने कहा? मेरे एक दोस्त ने। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब प्लीज मत जाना। नहीं बेटा। अजय, हम जानते हैं तुम किस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हो, लेकिन प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। हमें उम्मीद है इस इंक्वायरी में तुम हमें पूरा सहयोग दोगे। इस केस के मद्देनजर आपके ऊपर कुछ चार्जेस हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विनय पटनायक का मानना है कि आपको अपने कजिन और बीवी के अफेयर के बारे में पहले से मालूम था। प्लान उन्होंने नहीं, आपने बनाया। इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। अपने बयान में आपने मर्डर को सेल्फ डिफेंस कहकर पुलिस और कानून दोनों को गुमराह किया है। गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। विनय। यस सर। अजय, एक बात बताइए, आप चल सकते हैं? ये किस तरह का सवाल है विनय? हम सब जानते हैं कि अजय चल नहीं सकता, फिर ऐसा सवाल पूछकर तुम? सर, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, ओनली यस टू से यस और नो। मैं नहीं चल सकता। तो जब आपने गोली चलाई, आपके और उनके बीच में करीब इतना फासला रहा होगा? थोड़ा पीछे। करीब इतना? तो आप बेडरूम से व्हीलचेयर पे बैठे बैठे बाहर आए, उन्होंने आपको देखा, उन्होंने आप पर गोली चलाई, आपने डक किया, गोली व्हीलचेयर की बैक को फाड़ते बाहर निकल गई, राइट? फिर आपने पिस्तौल ड्रॉअर से निकाली, उन दोनों पे गोली चलाई इसी व्हीलचेयर पे बैठे बैठे, एंड दे डाइड, राइट? राइट। होल्ड ऑन, यहां पर अजय कुर्सी पर है, दो लोग यहां पर खड़े हुए हैं, यहां से अगर गोली चलती है तो ये कुछ इस तरह से जाएगी ऊपर की तरफ,
ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज। संजय को जो गोली लगी थी उसका मूवमेंट कुछ इसी तरह का है, ऊपर की तरफ। नाउ इनकी बीवी को जो गोली लगी थी उसका एंगल पैरेलल है, पैरेलल टू द ग्राउंड 180 डिग्रीज। और ये तभी हो सकता है जब आदमी खड़ा होकर गोली मारे। Why? Would you explain me this, Mr. Ajay? इससे पहले मैं अपने रिवॉल्वर तक पहुंचता, मेरे हाथ में जो आया मैंने उस पर फेंका और इसी तरह वो भी अपने घुटनों पर आ गई। तब मैंने गोली चलाई 180 डिग्रीज पैरेलल, राइट? ये बात तुमने अपने बयान में पहले नहीं कही। जब तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा हो तब तुम्हें क्या याद रहेगा? क्या फेंका था? डॉल्फिन्स शोपीस। एनी मोर क्वेश्चंस? नो मोर क्वेश्चंस। सर मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाने वाला था, लेकिन जब तक आप लोग मुझे क्लीन चिट नहीं देंगे मैं यहीं रुकूंगा। आई एम सरेंडरिंग माय पासपोर्ट। पापा, आई ओके? हाँ बेटा। यश, आपका होमवर्क बाकी है ना? हाँ। आप जाके कर लो। समझ में नहीं आता दादा ऐसे कैसे सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे बात करूंगी। I'm so sorry. क्लोज अप, आगे पीछे दोनों तरफ के, और जिस कमरे में क्राइम हुआ है उस कमरे के एक एक कोने के फोटोग्राफ। अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो, उसको आराम करने दो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, और सुबह तक सारे फोटोग्राफ मेरे डेस्क पे चाहिए। एनी डाउट? ब्लडी डम हेडेड क्रीचर्स आई टेल यू। दादा ये ड्यूटी नहीं है, कुछ और है। सब लोग मुझे कहते थे पर मैं मानती नहीं थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि आप। क्या लग रहा है? मैं उससे जलस हूं? डिपार्टमेंट में उसकी जगह चाहिए मुझे, मैं उसे दुश्मनी निकाल रहा हूं? क्या लग रहा है तुमको? दिस इज अ ब्लडी केस ऑफ प्लान मर्डर। व्हाई कांट यू सी दिस? अंधे हो गए हो आप लोग? आप चाहते हो बेबी आपकी हामी आ भी रहा हूं? हाउ कैन यू से दैट? क्या सबूत है आपके पास कि वो मर्डरर है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो बेकसूर है? दादा आई एम अ लॉयर, मैंने ये केस को स्टडी किया है। यू आर मेकिंग अ केस आउट ऑफ नथिंग। और इतने सालों साथ रहने के बावजूद आप अजय को समझ नहीं पाए जो मैं थोड़े दिन में समझ गई हूँ। समझ गई हो, एक्सलेंट। आदमियों की समझ के बारे में बहुत ज्यादा बात मत करो तो अच्छा है। अविनाश के बारे में तुम्हारी समझ को क्या हो गया? तब घास चढ़ने चली गई तुम्हारी समझ? दादा प्लीज। मैं कहता रहा राधिका ये ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। डोंट मैरी हिम, डोंट मैरी हिम। नहीं दादा, आई नो हिम, ही इज नाइस गाय, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही अंडरस्टैंड्स यू। छोड़ के चला गया, सारी जिंदगी खराब कर दी तुम्हारी, फिर भी आदमियों की समझ के बारे में बात करती हो तुम। Yeah.
क्या फेंका था? डॉल्फिन्स। ये पीस था? या तुमने उस दिन कहा था कि ये पीस तुमने उसको फेंक के मारा था और उसने डक किया। अगर फेंक के मारा था तो एक तो उसको टूट जाना चाहिए था, दूसरा इस समय ये पीस यहां पर क्यों है? ऐसे दो थे तो ये मर्डर स्पॉट पर मुख्य नहीं मिला। मुझे तो डाइनिंग टेबल के नीचे मिले। लगता है तुमने ठीक तरह से देखा नहीं। और संभाल कर रखा है इसको। दीज डॉल्फिन्स सेव माई लाइफ। एनी मोर क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चंस। अजय को इस खेल में हराना आसान नहीं था। मुझे सॉलिड एविडेंस की जरूरत थी। आई हैड टू थिंक लाइक अजय। अजय ने अंशिता और संजय को यकीन दिला दिया था कि ये प्लान फूल प्रूफ है। प्लान फूल प्रूफ था, पर उनके लिए नहीं, अजय के लिए। किसी ने तुम्हें आते देखा तो नहीं? ये बड़े साइज के जूते और कपड़े उन्होंने किसी ना किसी मार्केट से जरूर खरीदे होंगे। फाइंड इट। गाड़ी कहाँ से हायर की होगी उन्होंने? कहीं गाड़ी हायर करने खुद अजय तो नहीं है? Smart, very smart। अजय ने हर जगह संजय और अंशिता को भेजा था ताकि इन्वेस्टिगेट करते समय हम अजय तक ना पहुंच सके। गन कहाँ से मिली इसका पता लगाना होगा। का पता लग गया। किसका पता लग गया? गन डीलर का सर। उसको मेरे पास ले गया। ओके सर। चलने की तैयारी करो, हमें अरेस्ट के लिए जाना है। कहाँ जाना है? विनय अंकल आप? यस, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कितने दिनों बाद आए? एक मिनट। पापा पापा, विनय अंकल आए। बेटा
तुम अपने कमरे में जाओ। कम यश। अजय, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, वारंट है हमारे पास। यू कांट डू दैट। मैं जानती थी आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल। तुमने प्रैक्टिस फिर से कब शुरू कर दी? अभी से। दादा, आपको जो सही लग रहा है वो आप करें, और इनके लॉयर होने के नाते मुझे जो सही लग रहा है वो मैं करूंगी। I'll see you in court. See you in court. Okay. बहस शुरू करने से पहले प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, इस बात को ध्यान में रखें कि एक स्पीडी ट्रायल है, इसीलिए इस अदालत के समय का ख्याल रखा जाए। प्रोसिक्यूशन, प्लीज प्रोसीड। डॉक्टर सिद्दीकी, सीधे पॉइंट पर आता हूं। आपके इतने अच्छे इलाज और इनकी इतनी स्ट्रांग विल पावर के बावजूद ये चल नहीं सकते? ये जरूरी नहीं कि सिर्फ विल पावर की वजह से पेशेंट चल पाए, और ये भी जरूरी नहीं कि आदमी चले और डॉक्टर को बताए। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। देखिए योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने वो गवाह पेश करूंगा जो ये साबित करेगा कि अजय श्रीधर चल सकते हैं, और वो है सीशेल बिल्डिंग का वॉचमैन माधव गजानन। जुलाई को फ्लैट नंबर 203 में जो आदमी घुसा था वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। जरा ध्यान से देखो। नहीं सर, वो नहीं है यहां। क्या बात करते हो तुम, क्या वो आदमी ये नहीं है? वो ये नहीं है। ध्यान से देखो, ये था वो। हाँ, ये तो वही आदमी है जो उस दिन आया था बिल्डिंग में। थैंक यू गजानन। साहब, आप 203 में गए थे ना सर? 302। आप तो 203 में गए थे सर। जरा गौर से देखिए, वो अजय श्रीधर जो भेष बदलने में माहिर है और जो भेष बदलकर किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, इसलिए इसे इसके डिपार्टमेंट में मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी कहते हैं। आप भी देखिए प्लीज, आपको तसल्ली होगी। योर ऑनर, अजय श्रीधर ने अब तक जितने भी भेष बदले और जितने भेष बदल सकता है उन सब के हमने स्केचेस बनवाए। गजानन के मुताबिक 24 जुलाई की रात को सीशेल बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 203 में अजय श्रीधर को खुद अपने पांव पर चलते हुए अंदर घुसते हुए देखा। ये फ्लैट अजय के कजन संजय का है जिसका उसी रात खून हो गया था। मेरा मकसद सिर्फ ये साबित करने का है कि अजय श्रीधर खुद अपने पांव पर चलकर वहां गया था। That's all, Your Honor. गजानन जी, 24 जुलाई को आपने क्या इसी आदमी को देखा था अपनी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए? मैडम, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, एक बार जिसका चेहरा देख लूं कभी नहीं भूलता। ये वही आदमी है जो 24 तारीख को हाथ में छड़ी लिए हुए बिल्डिंग में आया था।
आप एक बार पूछो या हजार बार, मैं तो वही जवाब दूंगा ना। जिसे ये बता रहे कि अजय है, वो असल में संजय वर्मा है। अब इनकी बात माने तो संजय वर्मा 24 जुलाई को अपना ही हुलिया बदल के अपनी ही बिल्डिंग में क्यों गया? आप ही देख लीजिए ना एक बार निगम साहब, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या मजाक है? ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके गवाह को बरगलाने की कोशिश है। नो योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन टेक्नोलॉजी का उल्टा सीधा इस्तेमाल करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं गवाह पेश करना चाहूंगी जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मिस्टर विनय पटनायक। मिस्टर विनय पटनायक, क्या ये सच है कि कमिश्नर साहब ने आपसे केस वापस लेके सीनियर इंस्पेक्टर डिसूजा को दिया था? जी हाँ, ये सच है। क्या ये भी सच है कि कमिश्नर के मना करने के बाद भी आपने इस केस पे काम बंद नहीं किया? कमिश्नर साहब के मना करने के बाद मेरे पास काम करने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्यों, आप मीडिया को फोन कर सकते थे, कमिश्नर पर प्रेशर डाल सकते थे? नहीं नहीं। योर ऑनर, ये रहे इनके फोन बिल्स की डिटेल्स। जिस दिन ये केस डिसूजा को दिया गया था, उसी रात उन्होंने 3TV को फोन किया और एक इंक्वायरी कमेटी बनवाई और फिर खुद ये कमेटी के इंचार्ज बन गए। आप मिस्टर अजय श्रीधर को कब से जानते हैं? बहुत सालों से। और आपकी दुश्मनी कितनी पुरानी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमेशा से मेरे दोस्त थे, आज भी मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए इतने अच्छे दोस्त थे कि आपसे इनकी तरक्की देखी नहीं गई। आप दोनों ने हमेशा एक सी मेहनत की, पर क्रेडिट मिला हर बार आपके दोस्त अजय श्रीधर को। आप दोनों ने मुजरिमों को एक साथ पकड़ा, पर मीडिया हाइप मिली अजय श्रीधर को। अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आप दोनों ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, पर मेडल के लिए रिकमेंडेशन हुआ अजय श्रीधर का। हाँ तो he must be deserving। और मैं कभी मीडिया सेवी नहीं रहा हूँ, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। मगर ये नहीं जानती थी कि आप अजय श्रीधर से इतना जलते हैं। आप हमेशा मौका ढूंढते थे अजय श्रीधर को नीचा दिखाने के लिए, और जैसे ही आपको ऐसा मौका मिला, आपने मौके का फायदा उठा के अजय को फ्रेम किया। तुमको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुमको लगता है राधिका मैं ऐसा कर सकता हूँ? Excuse me, let me finish। नहीं, तुमको अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुमको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुमको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, objection, ये गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, मुझे अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहना है, ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। Can I have order in my court, please? I will not tolerate misbehavior. Yes, you may proceed, Your Honor. पूरा मीडिया, पूरा डिपार्टमेंट ये जानता है कि अजय और विनय के बीच डिफरेंसेस थे। आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे बीच में ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं थे। सच, he has been a hot-headed and impulsive officer, foolishly daring I must say, जिस बात को मैंने कभी अप्रूव नहीं किया है और इसी वजह से इनको गोली लगी है। इसको अगर आप डिफरेंस कहना चाहती है, आप डिफरेंस कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा आपने, hot-headed और impulsive? Your Honor, अगर अजय सचमुच हॉट हेडेड और इम्पल्सिव है, तो ये कोल्ड ब्लडेड और प्रीमेडिटेटेड मर्डर कभी कर ही नहीं सकते। फिर तो वो गुस्से में आके उसी वक्त तुम दोनों को मार देते। करे थैंक यू मिस्टर पटनायक, दैट्स ऑल योर ऑनर। लगाओ लगाओ खाना, लगाओ खाना, लगाओ, तुम ही खाओ, हमें तो भूख नहीं है। आप खा लीजिए दादा, सुबह भी आपने लंच नहीं किया था। लंच तुम खाओ, तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें काम करना है, कोर्ट में जाना है, बहस करनी है, केस लड़ने हैं, गलत को सही साबित करने की दलीलें तैयार करनी है, भाई को जलील करना है, उसको गलत साबित करना है, तुम खाओ। दादा, ये केस में किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ अजय को सही साबित करने के लिए लड़ रही हूँ। अरे मुझे लगता है बहुत स्ट्रेस्ड हो, अब खाना खा के जल्दी सो जाइए। हाँ मैं सोऊंगा, आराम से सोऊंगा, बहुत दिनों तक सोऊंगा, जिस दिन मैं गलत को गलत साबित कर दूंगा उस दिन सोऊंगा। फिर तो दादा आपको बहुत दिन जागना पड़ेगा।
इस आदमी को पहचानते हो? यस। ये बताओ है कितने की? 5 पेटी। लेकिन अजय भैया ने तो कहा था 4 लाख। और अजय नहीं, वो एंथनी ने कहा था कि 4 लाख लगेंगे और अब तुम 5 लाख बोल रहे हो। अजय साहब का नाम सुनते ही अपुन को डाउट हुआ, तो अपुन ने इसकी आवाज माइक्रोफोन पे सुनी। भैया वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। इस बात से अपुन को 2 बात समझ में आई साहब। एक तो वो अजय साहब से बात कर रहा था, दूसरे अजय साहब अपुन को एंथोनी की आवाज में फोन किया, और ये बात कंफर्म करने के लिए जब अपुन ने एंथोनी को फोन किया तो मालूम ये पड़ा कि एंथोनी ने तो अपुन को फोन किया ही नहीं था। इस बात से अपुन को पक्का यकीन हो गया साहब कि ये फोन एंथोनी की आवाज में अजय साहब का था। मिस्टर डिकॉस्टा, आप 4 साल पहले जेल गए थे, 2 साल के लिए, करेक्ट? यस मैम। आपको जेल किसने भेजा था? मिस्टर डिकॉस्टा, आपको जेल किसने भेजा था? मिस्टर अजय ने। जेल जाने से पहले आपने अजय साहब को धमकी दी थी? नहीं, वो झूठ मत बोलिए मिस्टर डिकॉस्टा, क्योंकि कोर्ट में वो दोनों लोग मौजूद हैं जिनके सामने आपने धमकी दी थी। गुस्से में निकल गया होगा मैम। आपने क्या कहा था? यही कि अपुन तेरे को देख लेगा। और आज मौका मिलते ही आपने देख लिया। जैसे ही इन पे मर्डर का इल्जाम लगा, आप अदालत पहुंच गए सरकारी गवाह बनके ताकि अपना बदला ले सके। क्या बात कर रही है मैडम? मैं ठीक बात कर रही हूं मिस्टर डिकॉस्टा। योर ऑनर, कितनी अजीब बात है कि हम एक मामूली से क्रिमिनल की बात सुनने को तैयार हैं और एक पुलिस ऑफिसर के सारे मेडल्स भूल रहे हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं लाइट डिटेक्शन टेस्ट चाहता हूं। 2 मिनट में फैसला हो जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्यों, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं जानती हूँ मेरे क्लाइंट सच बोल रहे हैं, इसलिए मुझे और मेरे क्लाइंट को कोई एतराज नहीं है। लेट्स हैव द लाइट डिटेक्शन टेस्ट। परमिशन फॉर लाइट डिटेक्टर टेस्ट ग्रांटेड। आई एम रेडी, प्लीज प्रोसीड। क्या आप चल सकते हैं? नो। क्या आपको अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में पहले से पता था? नो। क्या आपने प्लान करके मर्डर किया? नो। रिपीट द क्वेश्चन। क्या आपने प्लान करके मर्डर किया? नो। मिस्टर निगम, आपने सही कहा था, 2 ही मिनट से लगा सच और झूठ जानने में। तुझे पता है ना सावंत, क्या खेल खेला जा रहा है। सर मुझे ये जब कानून जानने वाला आदमी कानून को तोड़ने की कोशिश करता है। सर ये उसको नेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पी स्कॉच है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि तुझे क्या नहीं लगता। तू जानता है मैं जानता हूं, तू जानता कि मैं जानता हूं, तू जानता कि मैं जानता हूं। आप सर लाई डिटेक्टिंग मशीन होती है ना, इसको चीट किया जा सकता है।
लेकिन सर मशीन के सामने आदमी तो। अरे मशीन मशीन है, आदमी आदमी है, मशीन को आदमी ने बनाया। उसे बहुत से क्रिमिनल्स को देखा है, उसे स्टडी की है मशीन की, उसने एक महीना एक हफ्ता प्रैक्टिस किया झूठ बोलने का, वो झूठ बोल रहा है। Did you kill your wife? No. वो सब ठीक है सर, लेकिन अजय सर चल नहीं सकते। चल नहीं सकता, तू जानता कि मैं जानता हूं, मैंने वर्षों काम किया उसके साथ, मैं जानता हूं उसको। वो चल सकता है, वो झूठ बोल रहा है। वो चल सकता है कि नहीं चल सकता, वो चल सकता है कि नहीं चल सकता, चल सकता है। Sit down. प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की सारी दलीलें सुनने के बाद, सारे सबूतों और गवाहों को देखने के बाद, यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अजय श्रीधर पर लगाए हुए इल्जाम बेबुनियाद हैं। यह कोर्ट अजय श्रीधर को बाइज्जत बरी करती है। Court is adjourned. अगर हम ये प्रूव कर पाते कि चल सकता है तो रिजल्ट कुछ और ही होता। ठीक है, मुझे पता है तुम चल सकते हो, एंड आई विल प्रूव इट। चलती नहीं है, मेरे बिना यू आर यूजलेस, मेरे बिना तो बिल्कुल बेकार है। तुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तुझे खड़ा होना है, दिस इज माय ऑर्डर। मैं गलत कैसे हो गया? शायद मैं पुलिस में रहने के काबिल नहीं। हेलो सर, आप इन्हें को छोड़ दीजिए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम सर। लेकिन अजय, उसने भरी अदालत में सबके सामने सर, उसने वही किया जो उसे राइट लगा, और अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, थैंक यू सर। विनय, अजय सर ने कमिश्नर साहब को फोन किया था, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए, और साथ में ये भी कहा है कि विनय जैसे पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है इस पुलिस फोर्स को। राधिका उन्हें एयरपोर्ट लेकर जा रही है,
अगले एक घंटे में उनकी फ्लाइट है, वो अमेरिका जा रहे हैं। चले, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। अजय, बहुत बड़ी भूल हो गई यार। तू तो शायद मुझे माफ भी कर देगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा मुझे नहीं पता। Forgive me my brother. विनय, जो मैं कहना चाहता हूं वो सब इसमें लिखा है। विनय, तुम सही थे। मैं अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में जान चुका था। मैंने प्लान करके उन दोनों का मर्डर किया। तुम सोचते होगे कि अब ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। सच कहूं तो मुझे उन दोनों के मरने का अफसोस नहीं है। अगर कोर्ट में तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सका, I know, he can walk. गलत मैं था, तुम सही होते हुए भी कोर्ट में गलत साबित कर दिए गए। I'm sorry, विनय। मर्डर करने के बाद अपने आप को कानून के हवाले कर देता अगर यश मेरी जिंदगी में ना होता। अपने बच्चे के लिए इस पाप का जीतना जरूरी था। मैं अंशिता को बेवफाई के लिए माफ भी कर देता, मगर जब मैंने खुद को मारने की बात की, दोनों आसानी से तैयार हो गए। तब भी मुझे लगा अंशिता मुझे मार नहीं सकती। लेकिन जब गोली चलाते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे, तब मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। और अब मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सही लग रहा है, अपने दोस्त को सच बताकर। पहली बार अपने उसूलों से हटकर मैंने फैसला किया, जाने दिया उसको। कभी कभी जिंदगी की कड़वी सच्चाई कानून, सबूत, हालात, इन सब से परे होती है। इस बात का एहसास मुझे पहली बार हुआ। मुझे जो राइट लगा मैंने किया। तेरी मासूम आँखों में है जिंदगी के हजारों सवाल, मुझको परवाह मेरी नहीं,
सिर्फ रहे।